अलावा हम लोग फेडरल बैंक चले, इसका स्टॉप लॉस 120, एकदम पकड़ लीजिए 120। इसका स्टॉप लॉस 120 इसके नीचे जाएगा तभी निकलेंगे, नहीं जाएगा तो नहीं निकलेंगे। और कल एक मूवमेंट आपको फेडरल बैंक में बन सकता है, अगर 127 के ऊपर गया तो 28 से 30 तक के टारगेट फेडरल बैंक में आता हुआ आपको मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त चार्ट बनाया हुआ है फेडरल बैंक ने, मल्टीपल सपोर्ट है फेडरल बैंक में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वन टाइम यहाँ पे लिया, दूसरा बार यहाँ है, फिर से देखें तो तीन बार यहाँ हो गया, ये चौथा, और उसके पास से एक कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट करके ये ऊपर क्लोज कर रहा है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक एक जबरदस्त ब्रेकआउट कर रहा है, साथ ही मल्टीपल सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एक अप साइड के मूवमेंट बनना चाहिए, 130 से लेके 140 तक का टारगेट आने वाले समय में आपको फेडरल बैंक जरूर दिखाएगा, एक मूवमेंट बन सकता है। तो नजर रखें फेडरल बैंक पर, अच्छा मूवमेंट चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 2 जुलाई को मैंने फेडरल बैंक के बारे में जो एनालिसिस करके आपको दिया था, आज उसका रिजल्ट देख लीजिए 4 जुलाई को, शानदार तरीके से सेम पैटर्न, सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि उस तरह से मूव करेगा, बिल्कुल मूव कर रहा है। और 131.15 रुपए का अभी भाव चल रहा है, समय सुबह के 10:50:59 हो रहा है 4 जुलाई 2023। तो आपको वीडियो अगर आपने देखा होगा, जिन लोगों ने भी बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, मुझे कमेंट करके बताएं, इससे मुझे फीडबैक करें कि क्या आपने पोजीशन उसमें क्रिएट किया, प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। तो एनालिसिस कीजिए, सीखिए, समझिए। मैंने इसी जगह पे आप लोगों को समझाया था कि क्यों यहाँ पे बाइंग आएगा, क्यों यहाँ पे सेलिंग आएगा, क्यों यहाँ से बाउंस करने के चांस ज्यादा है, ये सारे एरिया आप जाके चेक कर लीजिए। वीडियो मैंने उसका क्लिप भी डाल दिया है इस शुरू में, जो आपने देखा होगा 1 मिनट का वीडियो, वो 2 तारीख का ही एनालिसिस था, उसी का रिजल्ट आज देखिए 4 जुलाई को, क्या जबरदस्त मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है फेडरल बैंक में, है ना। तो आप एनालिसिस करिए, सीखिए, समझिए और जुड़े रहिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।